हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैना और मेरे चैनल का नाम है केमिस्ट्री पॉइंट 101 है। बच्चे आज देखो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे, तो इसलिए बी कॉन्सेंट्रेट। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो इससे पहले हमने पढ़े थे डी ब्रोगाइल कॉन्सेप्ट, इसके बाद जो है बच्चे ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और बच्चे ये जर्मन का साइंटिस्ट था और 1927 ये अपना प्रिंसिपल दिया था। हाइजेनबर्ग का कहने का मतलब है कि इट इज टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजिशन एंड मोमेंटम या फिर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। समझे? कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर simultaneously both position and momentum of an electron with higher accuracy. उसके बाद सेकेंड इसका जो कॉन्सेप्ट कहता है, इफ एन अटेम्प्ट इज मेड then one is accurate and the other became inaccurate. ठीक है। अब बच्चे देखो, पहली बात है कि हम देखते हैं कि दो चीजों को कहता है साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। किसने कहा? हाइजेनबर्ग ने कहा कि दोनों चीज को हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। अगर एक अटेम्प्ट हम लेते हैं क्या होता है ना, एक एक्यूरेट होगा तो दूसरा इनएक्यूरेट हो जाएगा। और एक और बात इसने कहा, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम इज ऑलवेज greater than h by 4. इसका मतलब डेल्टा x इंटू डेल्टा p greater than equal to h by 4 pi। बच्चे देखो, हाइजेनबर्ग का कहना का मतलब है कि दोनों चीज को एक इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते। अगर मेजर करने की अगर कोशिश किया तो एक एक्यूरेट होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट होगा। आगे जाकर हम प्रूव करेंगे, लेकिन वही चीज कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एक साथ। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, नहीं? तो पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ हायर एक्यूरेसी, पोजिशन और मोमेंटम को एक इलेक्ट्रॉन का एक साथ में हायर एक्यूरेसी के साथ मेजर करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। समझ पाए? अब हम देखते हैं कि अगर अटेम्प्ट इज मेड, अगर हम कोशिश करते तो एक एक्यूरेट होगा और अदर इनएक्यूरेट हो जाएगा। और उसका जो बेसिक लॉ कहता है द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। यहाँ पे बच्चे देखो डेल्टा एक्स जो है पोजीशन है और डेल्टा पी जो है वो मोमेंटम है। दिस इज पोजीशन और हियर इज मोमेंटम। बच्चे इसको अगर और थोड़ा सा मैं स्प्लिट कर देता हूं, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो ये मेरे लिए हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम इज इक्वल टू एच बाय फोर पाई एम। अगर मैं मास को कांस्टेंट इस साइड को ले लिया तो बच्चे देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय फोर पाई एम आ जाएगा। ये फाइनल है। तो प्रोडक्ट ऑफ लेकिन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू एच बाई बाय ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय फोर बाय। तो हाइजेनबर्ग का कहने का मतलब था कि आप एक इमेजिन करो, एक बच्चा है, उसको बोलेंगे बेटा ऐसा कर, तू टीवी देख ले और पढ़ाई भी कर ले एक साथ, टीवी भी देख ले और पढ़ाई भी कर ले एक साथ। कुछ कुछ बच्चे कर लेते हैं, इंग्लिश पढ़ना है, कोई स्टोरी बुक पढ़ना है, बच्चा क्या करता है टीवी भी ऑन कर देता है और पढ़ना भी करता है, बुक्स को पढ़ता है। लेकिन बच्चे देखो कोई भी काम उस टाइम ना वो टीवी सही से देख सकता है ना वो बुक जो है वो सही से पढ़ सकता है कि नहीं। अगर थोड़ा टीवी देख लिया फिर थोड़ी देर आंख को तो भाई नीचे करनी पड़ेगी, बुक पढ़ना है कि नहीं। तो इसलिए एक एक्यूरेट होगा तो दूसरा इनएक्यूरेट हो जाएगा। इसी को बच्चे कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी या इनएक्यूरेसी प्रिंसिपल। एक एक्यूरेट हुआ तो दूसरा ऑटोमेटिकली इनएक्यूरेट हो जाएगा। समझ पा रहे? तो इसीलिए बच्चे अगर पोजीशन और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय फोर बाय एम, इसको पूरे दिमाग में बैठाना है क्योंकि हमें आगे जाके न्यूमेरिक में काम आएगा। समझ पाए? आइए मैं इसको प्रूव करता हूं। इसको मैंने अभी इरेज नहीं करूंगा, मैं ऊपर वाले पोजीशन को मैं थोड़ा अभी इरेज करता हूं। आप ध्यान से देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है। क्या करना है? नहीं भूलना है केमिस्ट्री पॉइंट 101 को। सो आइए मैं इसको प्रूफ अभी करूंगा आपके सामने कैसे ये अनसर्टेनिटी होता है, कैसे ये अनसर्टेनिटी होता है। ध्यान से देखो बच्चे, ये डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय फोर पाई एम। अच्छा सबसे पहले अब देखो कि डेल्टा एक्स जो है जीरो ले लिया क्योंकि पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए डेल्टा एक्स कितना हो गया, जीरो। पोजीशन फिक्स का मतलब अगर एक पार्टिकल में यहां पे लेता हूं ये उसी जगह पे शिफ्ट नहीं करता है, पोजीशन वन पोजीशन टू है कि नहीं, तो यहां शिफ्ट कर रहा है। अगर एक ही जगह में होगा तो जो कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है इसका मतलब वो डिफरेंस है कि नहीं। पोजीशन P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पहले जहां था अगर यहां नहीं जा रहे वहीं पर है तो P1 भी यही है P2 भी वही है। तो इसलिए बच्चे क्या होगा ना, डेल्टा एक्स इसकी जीरो हो जाएगा। तो यहां पे मैंने इसलिए डेल्टा एक्स जीरो का मतलब आप ये मत सोचिए कि पोजीशन जीरो है, जीरो का मतलब डेल्टा एक्स का मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, जिसकी वजह से डिफरेंस जीरो आता है। आइए हम देखते हैं। तो एक्स टू माइनस एक्स वन जब जीरो हो जाता है बच्चे, अगर मैं मुझे वेलोसिटी कितनी होगी ना, मैं एक्स को यहां ले जाऊंगा h by 4 pi m into delta x, और खाली वेलोसिटी निकालना है तो h by 4 pi m into 0, क्योंकि मुझे क्या करना है ना, पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया। ये ध्यान में रखिए, x पोजीशन, p मोमेंटम
और वी जो होता है वो वेलोसिटी है। तो इसलिए बच्चे देखो कि डेल्टा वी यहाँ पे कितनी होगी ना, समथिंग बाय जीरो, समथिंग बाय जीरो इज इन्फिनेटिव। अगर मैंने पोजीशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया तो मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अनसर्टन हो जाएगा। मेरा वेलोसिटी, फिर से बोलिए, मेरा वेलोसिटी क्या होगा, अनसर्टन हो जाएगा। आपने अगर पोजीशन को क्या किया ना, फाइंड आउट करने की कोशिश किया तो वेलोसिटी अनसर्टन है। इसी को बच्चे कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इन प्रिंसिपल। ये जो पूरे जो साइंटिस्ट है उसका नाम था रेनर हाइजेनबर्ग। क्या है, WERNER, रेनर, पूरा नाम इसकी है रेनर हाइजेनबर्ग। बच्चे इसको आगे और भी हम प्रूव करेंगे, बिल्कुल भी वीडियो को अंत तक देखना है, एंड तक। अब मैं इसको प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, ऐसा यूं नहीं बोलूंगा, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। यहां पे देखो बच्चे, देखो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के कहां पे होता है, चारों तरफ घूमता है, घूमता है या रहता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ में घूम रहा होता है या सो रहा होता है, ना घूम रहा होता है। देखो ये है इलेक्ट्रॉन है, पाथ है, सेंटर में ये हो गया बच्चे न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे घूम रहा है तो उसकी ऑर्बिट होगी। ये देखो इलेक्ट्रॉन है बच्चे। इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। वो क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। यहां पे एक मैं ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप उसको मानिए, लेकिन डायग्रामेटिकली ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। यहां पे मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे इलेक्ट्रॉन को ये आइडेंटिफाई कर पाता है। आप और मैं तो देख नहीं सकते खाली आंख में, नेकेड आई में, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बच्चे यूज करना पड़ता है। बच्चे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ में एटम के अंदर है, इसकी पोजीशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना बच्चे, देखो उसके लिए मैंने तरीका ढूंढा, कुछ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लो या कुछ फोटोन को मैंने यहां स्ट्राइक करा, उस फोटोन को मैं यहां पे स्ट्राइक कराऊंगा। ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन उसकी रास्ता में आ जाए, जो रेडिएशन आ रही है, जो फोटोन को हमने यहां पे छोड़ रहा है, तो यहां पे अगर उसके सामने इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है तो ये क्या करेगा ना, ये स्ट्राइक करके इसकी जो इमेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आ जाएगी, है कि नहीं। अगर यहां रास्ते में इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, ये रे नीचे पास करके चला जाएगा। एक बेसिक सा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने कभी टॉर्च यूज किया हो, टॉर्च लाइट, है कि नहीं, इसको मान लो टॉर्च लाइट है, ठीक है। पहले जमाने में टॉर्च लाइट ज्यादा यूज होता था, ठीक है ना, गाँव में क्या होती थी, लाइट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता था, अंधेरा होता था, जंगल टाइप का होता था। आजकल तो घनी आबादी है, मतलब पॉपुलेशन डेंस है, बट उस टाइम क्या होता था, कहीं भी रास्ता में जाए तो अंधेरी रास्ता में एक पेड़ पौधे होते थे, लोग बड़ा बड़ा टॉर्च लेके जाते थे। अब देखो टॉर्च को अगर मैं छत के ऊपर, घर की छत में चले जाऊं, उस टॉर्च को आसमान स्काई की तरफ मैं ऑन कर दूं, क्या वापस आता है, नहीं आता है। लेकिन उसी टॉर्च को अगर मैं छत के ऊपर मारूं, अपने घर के अंदर बैठ करके, लेकिन अपने घर की जो छत मारूं तो रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होके वो लाइट हमारी आंखों तक आती है, हम देख पाते हैं कि यह छत है, लेकिन तो लाइट जो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक किया है, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक होकर के हमारी आंखों तक आया है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सामने में बोलूंगा कि मार्कर है, तो मार्कर कैसे दिखाई देता है हमें ना, जो लाइट है, डे लाइट या सनलाइट है या दिन का जो लाइट है, यहां पड़ता है, पड़ने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है, हमें लगता है ये मार्कर है,
उसी सेम प्रिंसिपल है बच्चों, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटोन यहाँ स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद इसकी रे वापस जाके यहां तक पड़ता है, समझे? पढ़ने के बाद इसका पिक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आ जाता है और पोजीशन पता लग जाता है इलेक्ट्रॉन यहां पर है। बच्चे पोजीशन तो पता लग गया है, लेकिन इसकी वेलोसिटी अनसर्टन हो जाएगा। क्यों? आप बोचेंगे सर बताओ क्यों ऐसे वेलोसिटी अनसर्टन हो जाएगा, ऐसे भी बोल नहीं रहा हूं, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है। तो यहां पे देखो कि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी यहां पे मिला तो ये एक्साइट होके कौन सा ऑर्बिट में जाएगा, कितना एनर्जी था और एक्साइट होने के बाद कितना एनर्जी उसको मिला है और ये कौन से ऑर्बिट तक गया, तो दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये तो पोजीशन तो मैं आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन वेलोसिटी इसकी क्या है नहीं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि वो कहां गया है, वो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया है, देखते रह जाओगे हैं? तो इसी को बच्चे कहते हैं, अगर पोजीशन को आइडेंटिफाई किया तो वेलोसिटी अनसर्टन हो जाता है, समझ पाए? अब आएंगे बच्चे, देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बच्चे सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे आपने डी रोगाइल कंसेप्ट बच्चे पढ़े थे, तो इसी तरह ये भी है। अगर आपने डी रोगाइल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, ये प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, जो न्यूमरिक है कैसे सॉल्व किया गया उसको भी आप देख सकते हो। तो इसीलिए बच्चे सिग्निफिकेंस होती है, एक जो सिग्निफिकेंस है सेम है, इट इज एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो है, इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन एवरीडे लाइफ। इसका एवरीडे लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं। बच्चे आप पूछोगे बच्चे कि माइक्रोस्कोपिक के लिए क्यों होता है, माइक्रो के लिए क्यों नहीं होती है, यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल माइक्रोस्कोपिक के लिए क्यों होता है और माइक्रोस्कोपिक या लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए क्यों नहीं होता है, मैं इसका रीजन में बताता हूं। आप देखो कार जा रहे, सब लोग कार में चलते हो कि नहीं चलते हो, चलते हो, तो कार जब जा रहे बच्चे एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, है कि नहीं? तो जो कार जाता है उसका क्या करते हैं हम, ना पोजीशन एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? बड़ा ऑब्जेक्ट है, कर सकते हो कि नहीं, कितने स्पीड से गाड़ी जा रही है कि नहीं, स्पीडोमीटर लगी होती है कि नहीं, तो इसलिए गाड़ी को भी हम देख पाते हैं और स्पीड को भी कर पाते हैं, एक्यूरेटली कर पाते हैं, तो इसलिए। बट ये इसीलिए हुआ बच्चों, देखो ध्यान से कह रहा हूं, देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4πm, ठीक है? तो मास अगर बड़ा हो जाता है तो पोजीशन और वेलोसिटी दोनों हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अगर माइक्रोस्कोपिक है तो ये कहां चला जाता है ये नहीं दिखेगा, फिर वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रहा है वो नहीं आइडेंटिफाई होती। दूसरा चीज, ना एवरीडे लाइफ में हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के साथ डील करते, क्रिकेट बॉल है, लेकिन वॉलीबॉल आप लोग वॉली खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट बॉल खेलते हो, बैडमिंटन जो कॉर्क होते हो वो भी खेलते हो, लेकिन आप देख पाते हो कि नहीं, आपने इसको थोड़ा मारा स्पीड से जा रहा है तो इसका स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी या पोजीशन कहां पे है कि नहीं? तो ये एवरीडे लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। आइए कुछ क्वेश्चन कर हम जाते हैं इस टाइम, तो बिल्कुल भी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना है, और अपने
दोस्तों तक भी, जो जरूरतमंद है, जो नीडी है बच्चे, वहां तक भी आपको ये भेजना है। सो कोई भी आपको डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हम क्वेश्चन कर जाएंगे। मेरे सामने देखता हूं एक क्वेश्चन में, वो कहता है माइक्रोस्कोप यूजिंग ए सुइटेबल फोटॉन using a suitable photon is employed to locate an electron of an atom with a distance of 0.1 angstrom find uncertainty in velocity. अच्छा देखो, पोजीशन दिया हुआ है ना, वी नो दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। मुझे वेलोसिटी निकालना, मुझे एक्स को यहां ले जाना पड़ेगा, तो डेल्टा वी कितनी होगी ना, एच बाय 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। तो एच होता है बच्चे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वैल्यू बताओ 6.626 इंटू 10^-34 डिवाइडेड ऑफ 4 कॉन्स्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 ले लिया, इंटू एम हो गया 9.1 इंटू 10^-31 केजी जो इलेक्ट्रॉन की है, और पोजिशन यहाँ पे दिया है, और डिस्टेंस या पोजिशन दिया 0.1 एंगस्ट्रॉम है, 0.1 × 10^-10। बच्चे आप सिर्फ इसको सॉल्व करना है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, आप सिर्फ इसको क्या करना है, सॉल्व करके आंसर निकालोगे। ये क्या है, एच की वैल्यू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की है, ए 4 को 4 रह गया, पाई की वैल्यू आपको बताया 3.14, ये हो गया मास हो गया, और ये पोजिशन हो गया जो कि डिस्टेंस था, ये एंगस्ट्रॉम में था, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है 10^-10 meter है, मैंने इसको कन्वर्ट पुट कर दिया। अब बच्चे एक और क्वेश्चन कर हम जाएंगे इस टाइम कि बिल्कुल पेशेंस के साथ आप लोग बैठना है और पढ़ाई को क्या करना है कि एंजॉय करना है, क्या करना है, एंजॉय। केमिस्ट्री इज एंजॉयबल तब होता है जब आपको सब चीज समझ आता है। यहां पे क्वेश्चन दिया है, गोल्फ बॉल हैज मास ऑफ 40 ग्राम, एक गोल्फ बॉल हैज मास ऑफ 40 ग्राम, उसके आगे लिखा है एंड स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर विथ एक्यूरेसी ऑफ, हाउ मच 2% कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बच्चे करेंगे क्या इसमें, मास दिया हुआ है, स्पीड या वेलोसिटी दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, आपको वो निकालना है, क्या है, पोजीशन निकालना है। पोजीशन के लिए बच्चे क्या करेंगे ना, हमें फॉर्मूला लगा दी यहां, बट यहां एक नया चीज दिया हुआ है कि नहीं,
स्पीड कैन बी मेजर विद एक्यूरेसी ऑफ 0.2%। सो यही टेक्निक इस क्वेश्चन में कि जो स्पीड जो दिया एक्यूरेसी 2% है, तो आपका जो वेलोसिटी या स्पीड दिया कितना है ना 45 है, इसका 2% आपको निकालना है, कितनी होगी ना 90/100 कट गया तो 0.9 ठीक है ना 0.9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब ये नहीं होगा, इसी को आपको ध्यान देना, इसलिए क्वेश्चन कराया हूं कि ये आपको नहीं पुट करना है, आप एक्यूरेसी को पुट करना है। आपकी वेलोसिटी आ गया डेल्टा वी, अब मुझे एक डेल्टा एक्स निकालना है ना एच बाय 4πm इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10^-34 डिवाइडेड 4 इंटू 3.14 इंटू मास किसका है ना 40 ग्राम्स को केजी में डिवाइड कन्वर्ट कर दो 10^-3 इंटू यहां पे दिया है 0.9। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ये सब कुछ हो गया, टेक्निक बच्चे यहां पे था कि जो 2% है, समझ पाए। तो इसीलिए आगे और भी क्वेश्चन है और आगे की जो टॉपिक है वो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है और क्वांटम नंबर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इस चैप्टर की है, उस वीडियो को देखना आप लोगों ने नहीं भूलना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये केमिस्ट्री का बेस है। अगर यही नहीं समझ आया आपको, बॉन्डिंग समझ नहीं आएगा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आया तो जीओसी नहीं आएगा, जीओसी नहीं आया तो हाइड्रोकार्बन नहीं आएगा, फिर ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक भी समझ नहीं आएगी ना इनऑर्गेनिक आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, लास्ट को जाके रोना ना पड़ जाए। तो इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।